एनटीपीसी की सीपत विद्युत परियोजना से राखड़ लेकर कोरबा पहुंचे एक ट्रक चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ट्रक चालक का शव उसके ही वाहन में पाया गया है। चालक की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई है यह जांच का विषय है। मृतक का नाम हेमलाल यादव है जो बिलासपुर जिले के मोपका क्षेत्र का निवासी था। मामले में मर्ग कायम कर पुलिस जाँच कर रही है। कोरबा के मानिकपुर खदान जाने वाले रास्ते पर खड़े इस टीपर में आज सुबह उसके चालक हेमलाल यादव की लाश पाई गई। बिलासपुर निवासी मृतक के साथ अन्य टीपर में राखड़ लेकर कोरबा पहुंचे कवर्धा निवासी बिल्लू बघेल ने बताया कि वह कल कई अन्य लोगों के साथ अलग अलग टीपर में राख भरकर सीपत से कोरबा पहुंचा था। रात लगभग 11:30 बजे मानिकपुर पहुंचने से पूर्व बिल्लू, हेमलाल और उनके अन्य साथियों ने उर्गा में स्वयं भोजन बनाकर उसे प्राप्त किया था। मानिकपुर में टीपर को खड़ा कर सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में सो गए। सुबह हेमलाल का शव टीपर में देखा गया। लोग जाम में फंसे थे वोट गिनती के नाम से। 11:30 बजे वहाँ से गाड़ी छूटे रात में, खाना उना खा के निकले थे। रात में आके यहाँ लाइन लगा के अपन लोग अपने अपने गाड़ी में सो गए थे। सुबह हुआ हम लोग कोई नहीं उठे थे सो के। जब गाड़ी खाली होने के लिए चालू हो गया, 2-3 गाड़ी घुसा था अंदर, तो बोले हम गाड़ी कैसे बढ़ नहीं रहा है, गाड़ी कैसे नहीं बढ़ रहा है। जाके देखा, गेट खोला, बोले मुँह से गजरी निकला हुआ था। अरे बोले हम कैसे अचानक, फिर सब वो ड्राइवर आके देखे भाई ऐसा ऐसा घटना हो गया। तत्काल फिर अपने सेठ को फोन लगाया, सेठ को बताया, फिर सेठ हमने मुंशी को बताया, मुंशी फिर अपने आया, फिर देखा वो भी, फिर पुलिस वाले लोग। खाना कहाँ खाए थे आप? खाना अपन लोग उर्गम बनाए थे, भैया टमाटर और बटर बनाए थे, चावल बनाए थे। कौन कौन खाए थे? कितने लोग? 5 भाई खाए थे। घटना की सूचना मिलने पर मानिकपुर चौकी पुलिस सक्रिय हो गई और संबंधित मामले में आवश्यक जानकारी हासिल कर आगे की कार्रवाई कर रही है। कोरबा से मनोज यादव की रिपोर्ट।